वायरस ने अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कहर इटली में ही मचाया है। यहाँ करीब 29,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं और करीब 2,00,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। इस सब के बीच इटली से ही एक राहत भरी खबर भी आई है। कोरोना वायरस के इलाज में दुनिया के तमाम देश रात दिन कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच इटली ने दावा किया है कि उसने इस जानलेवा वायरस की वैक्सीन की खोज कर ली है। अगर ये दावा सही निकला तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। इटली की सरकार ने दावा किया है कि उसने एंटीबॉडीज को ढूंढ निकाला है जिसने मानव कोशिका में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है। इटली की न्यूज एजेंसी ANSA के मुताबिक रोम के संक्रामक बीमारी से जुड़े स्पलांजनी इंस्टीट्यूट में ये टेस्ट किया गया। वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए चूहों का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन ने चूहों के शरीर में एंटीबॉडीज जनरेट की जिसका असर इंसान की कोशिकाओं पर भी होता है। स्पलांजनी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज के रिसर्चर के मुताबिक ये एंटीबॉडीज इंसानों पर कारगर हैं और इसके इस्तेमाल से कोशिकाओं में मौजूद वायरस खत्म हो गए। दुनिया भर में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और अगर ये वैक्सीन इंसानों पर भी कारगर है तो लॉकडाउन में बंद दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है। रिसर्चर्स ने पहली वैक्सीनेशन के बाद चूहों में एंटीबॉडीज विकसित होते देखे जो मानव सेल्स या कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस को ब्लॉक कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अलग-अलग वैक्सीन से बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज जनरेट हुए जिसमें से शोधकर्ताओं ने सबसे बेटर रिजल्ट देने वाले 2 को चुना है। वैक्सीन के दूसरे प्रयोग में ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। ये वैक्सीन DNA प्रोटीन स्पाइक के जेनेटिक मटेरियल पर आधारित है। दुनिया भर के देश इस जानलेवा वायरस का वैक्सीन ढूंढने में जुटे हुए हैं। इटली से पहले इजराइल ने भी इस वैक्सीन के मिलने का दावा किया था। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने कोरोना वायरस को खत्म करने के टीके के विकास का चरण पूरा कर लिया है और अब इसके पेटेंट और बड़े पैमाने पर संभावित उत्पादन के बारे में काम चल रहा है। इस संबंध में जारी बयान में कहा गया कि ये एंटीबॉडी वायरस पर अटैक करता है और उसे शरीर में बेअसर कर देता है। अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा। अभी क्या बताऊंगा। जब कंगना फिल्म में होती है तो कितने लोगों को दिक्कत होती है ये आप खुद नोटिस कीजिए। मैं आपके तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूँ लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके।